देश के चार धामों में प्रमुख बद्रीनाथ धाम में इन दिनों एक बार फिर से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़नी शुरू हो चुकी है। 9 से 12 हजार श्रद्धालु प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। साथ ही बद्रीनाथ धाम में इस बार अब तक महज 3.5 महीने में 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। बता दें कि पितृपक्ष शुरू हो चुका है और मोक्ष धाम बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है। यहाँ मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। पिंडदान तर्पण के लिए देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं 2 साल कोरोना की मार झेल चुके व्यापारियों के भी चेहरे खिल उठे हैं। इस बार फिर से बद्रीनाथ धाम में रौनक बढ़ने से व्यापारी बहुत उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पहुंच रहे हैं, हर प्रदेश से पहुंच रहे हैं और आज तक लगभग कपाट खुलने से आज की तिथि तक लगभग 12 लाख से अधिक लोगों ने भगवान के दर्शन किए। वर्तमान पितृपक्ष और ब्रह्म का कपाल सरसब्ज भरा हुआ है। नितिन दिलीप परमार है, हम मुंबई महाराष्ट्र से आए हैं। हम यहाँ पे आके हमको बहुत प्रसन्न लग रहा है। ये है देवभूमि, ऐसे लग रहा है कुछ भगवान को मिल गए, ऐसे लग रहा है कि भगवान ने हमें सबको आशीर्वाद दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान विशाल की कृपा से 2 साल का जो कोविड काल था उस समय पूरी यात्रा एकदम डाउन जीरो पे थी, मगर इस समय की यात्रा को देखते लगता है कि इस समय चरम पे यात्रा है। जैसे कि आज बाहर विदेश से भी जो है 4-5 बसें नेपाल से आई हुई हैं, इसी तरह लगातार यहाँ पे जो है बाहर से यात्री आ रहे हैं और श्राद्ध पक्ष में जो है अपने पितरों को श्रद्धांजलि और पितरों का तर्पण इत्यादि करने के लिए उत्सुक हैं लोग, क्योंकि 2 साल कोविड काल से यहाँ पे बंद था। इस समय पूर्ण रूप से बहुत भयंकर भीड़ है।